Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is me, Muhammad Asif Zib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyber Medical University. Dear viewers, today we are going to discuss stool examination. Stool examination requires a lot of expertise. क्योंकि स्टूल में मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव मटेरियल्स भी होते हैं, इसमें ओवा या सिस्ट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन कि इधर ओवा आर सिस्ट इज प्रेजेंट इन स्टूल आर नॉट। बट इफ ओवा आर सिस्ट इज प्रेजेंट इन स्टूल, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दैट विच टाइप ऑफ ओवा आर सिस्ट इट वुड बी। तो उन डिफरेंशिएशन करने के लिए उसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है और उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम और डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूल एग्जामिनेशन कैसे की जाती है, कौन कौन से ओवा या सिस्ट इसमें आ सकते हैं और उनके दरमियान हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का ओवा या सिस्ट है या वेजिटेटिव फॉर्म है। तो आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज feces are what is stool? The human feces is called as stool. Feces एक लैटिन वर्ड है जो कि निकला है फिक्सिस से, जिसका मतलब है रेजिड्यू। मीन्स कि दीज आर बेसिकली द रेजिडुअल्स एंड सब्सटेंसेस विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, तो दिस इज नोन एज फीसिस। और फीसिस क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक से वो एक्सपेल होते हैं। न्यूबॉर्न के जो फीसिस होते हैं इनको कहते हैं मेक्यूनियम, और स्टूल की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं स्केटोलॉजी और केप्रोलॉजी। तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज के स्टूल बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ स्टूल? तो स्टूल की कंपोजिशन क्या है, स्टूल में चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट है तो इसलिए इसमें अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं या अनअब्सॉर्ब्ड फूड। क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो लॉस नहीं करती, इसलिए जो फूड सब्सटेंसेस में चाहे सॉरी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड्स हो, आयरन हो, वाइटमिन B12 हो, फोलिक एसिड हो, जो कि इम्पोर्टेंट जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो कि अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं दे आर बेसिकली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। इंटेस्टिनल सिक्रीशंस इसमें होते हैं, म्यूकस हैं, इसी तरह बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलेनोजन, इसी तरह बैक्टीरिया एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा की हम बात कर रहे हैं कि इसमें नॉर्मल फ्लोरा होते हैं तो वो एक्सक्रीट होते हैं। कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो पैथोजेनिक है तो देट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नॉर्मली नॉर्मल फ्लोरा फीसिस में मौजूद होते हैं। और कुछ एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स क्योंकि नॉर्मली जो इंटेस्टाइन है ये एपिथेलियल लाइनिंग इसके इर्द गिर्द होती है और उनका एक खास टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद हमारी बॉडी इंटेस्टिनल एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करती है, तो ओल्ड एपिथेलियल सेल्स फिर स्टूल में आ जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ स्टूल। नाउ हाउ विल वी कलेक्ट अ स्टूल सैंपल? तो स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। आपने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को एक वाइड माउथेड कंटेनर देना है जो कि बिल्कुल स्टरलाइज हो। अगर वो सीएस के लिए आपने स्टूल कलेक्ट करना है तो फिर स्टरलाइज बॉटल उनको देना होगा। अगर सीएस नहीं है तो आम एक क्लीन वाइड माउथेड कंटेनर इज सफिशिएंट टू कलेक्ट स्टूल फ्रॉम अ पेशेंट। एक और चीज, आपने पेशेंट को गाइड करना है कि हाउ विल यू कलेक्ट अ स्टूल सैंपल। सो अ स्टूल सैंपल शुड बी फ्री ऑफ यूरिन आर एनी अदर बॉडी सिक्रेशन। ठीक है, यू हैव टू एजुकेट योर पेशेंट, और फिर इसके बाद कलेक्शन के बाद आपने उसको लेबल करना है।
जो भी पेशेंट का आईडी नंबर होगा, यानी हर लेबोरेटरी का या हर हॉस्पिटल का अपना एक एमआर नंबर होता है या आईडी नंबर होता है, तो वो आईडी नंबर बोतल पे लिखें और उस पे लेबल करें। तो लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा फ्लो, वर्क फ्लो या पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है, तो लेबलिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप पर डायग्नोसिस को मिस कर जाते हैं। तो इसलिए लेबलिंग इज इम्पोर्टेंट इन अ क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो स्टूल एग्जामिनेशन, हम तीन तरीकों से स्टूल की एग्जामिनेशन करते हैं। नंबर वन फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर टू केमिकल एग्जामिनेशन एंड नंबर थर्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो वॉल्यूम कितना है, फिर कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर, ब्लड आर म्यूकस उसमें मौजूद है या नहीं है, तो वो विजिबल, अगर विजिबल है तो यू हैव टू रिपोर्ट दैट ब्लड आर म्यूकस, क्योंकि ब्लड की और म्यूकस की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली व्हेन देयर इज सम इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर इवन पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो उसमें म्यूकस आ जाते हैं, तो यू हैव टू रिपोर्ट दैट इन स्टूल एग्जामिनेशन। एंड पार्ट ऑफ पैरासाइट्स आर एडल्ट पैरासाइट्स, समटाइम देर आर सर्टन पैरासाइट्स विच आर प्रेजेंट इन स्टूल लाइक पिनवॉर्म, सो इट कैन बी प्रेजेंट, आर इवन एस्केरिस ब्लैटर इज समटाइम प्रेजेंट इन स्टूल सैंपल, सो यू हैव टू रिपोर्ट दैट। नाउ कलर ऑफ स्टूल, तो नॉर्मल जो स्टूल का जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है ना, जो कि स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से उसका जो कलर है वो येलोइश टू ब्राउन हो सकता है, लेकिन कलर भी वेरी कर सकते हैं, कुछ ब्राइट रेड कलर आर मेरून कलर लाइक इफ देयर इज ब्लड प्रेजेंट, सो डेफिनेटली द स्टूल कलर विल बी ब्राइट रेड, आर इवन ब्लड स्ट्रीक आर येलोइश आर ग्रीन, इट डिपेंड, ग्रीन एंड ब्लैक बेसिकली डिपेंड अपॉन फूड जो कि उस इंडिविजुअल ने ली है। ब्लैक कलर मेडिकेशन की वजह से ब्लैक कलर आ सकते हैं, अगर उसने आयरन इनटेक ली है तो आयरन बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। क्ले आर वाइट आर पेल ग्रे, तो दीज आर वेरियस कलर विच मे बी प्रेजेंट एंड इट डिपेंड अपॉन पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। कलर ऑफ फीसिस इन इन्फेंट्स, फीसिस में कि फीसिस जो स्टूल इन्फेंट्स होते हैं उनका जो कलर है वो एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, इसलिए कि एज ब्रेस्ट फीडेड इन्फेंट्स हैव नो बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन, सो स्टर्कोबिलोजन इज नॉट प्रोड्यूस एंड द कलर ऑफ द पीसेस रिमेन येलो। क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होते, बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए स्टर्कोबिलोजन प्रोड्यूस नहीं होता, जब स्टर्कोबिलोजन प्रोड्यूस नहीं होता तो इसलिए स्टूल का कलर येलो आ जाता है। इवन समटाइम सम हेल्दी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, सीक्रेट करते हैं स्टूल में, तो जिसको हम यूजुअली कहते हैं टोटल डायरिया, बट दैट इज बेसिकली नॉर्मल। इन डायरिया, इन डायरिया कंडीशन में क्योंकि इंटेस्टिनल फ्लो बहुत बड़ी रैपिड होती है, तो बैक्टीरिया को टाइम नहीं मिलता ताकि वो जो बिलिरुबिन है या स्टर्कोबिलोजन वो प्रोड्यूस कर सके, इसलिए फीसिस का कलर येलो आ जाता है या ग्रीन आ जाता है, मोस्टली ग्रीनिश कलर का होता है, क्योंकि बिलिरुबिन का कलर नॉर्मली ग्रीन होता है, इसलिए क्योंकि स्टर्कोबिलोजन प्रोड्यूस नहीं होता, स्टर्कोबिलोजन का कलर जो है वो येलो है, तो इसलिए बाइल का कलर फीसिस में आ जाते हैं जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ बाइल इन टू द इंटेस्टाइन गिव राइज टू पेल देन आर क्ले कलर फीसिस। क्लोरोफिल रिच फूड प्रोड्यूस ग्रीन कलर फीसिस, जैसे हमने कहा इफ देयर इज सम स्पिनिच, एक इंडिविजुअल है उसने स्पिनिच पोर्च खा लिया हो तो उस वो प्रोड्यूस करता है कलर, जिसमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है, तो इसलिए स्टूल का कलर भी ग्रीन आ जाते हैं। समटाइम ब्लीडिंग इन टू अपर गट गिव्स राइज टू ब्लैक फीसिस ड्यू टू अल्टर ब्लड, क्योंकि ब्लड में हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन में आयरन फेरस के फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर वो फेर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो स्टूल को ब्लैक कलर पर देते हैं। इवन सम ड्रग्स लाइक आयरन इनटेक अगर वो हो जाए
तो वो भी शूल को ब्लैक कलर दे देते हैं। इन एडिशन ऑल आर ऑरेंजेस रिजल्ट इन ब्लैक कलर, जैसे हमने कहा। डेरिया मिक्स विद म्यूकस एंड ब्लड इज सजेस्टिव ऑफ टाइफाइड अमीबिया आर लार्ज बॉल कार्सिनोमा। जैसे डायरिया कंडीशन में होता है, टाइफाइड में डायरिया होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ म्यूकस भी होता है, तो अमीबा इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में भी डायरिया होता है और उसके साथ साथ म्यूकस। तो अगर डायरिया और फिर उसके साथ म्यूकस है, तो दिस इज बेसिकली सजेस्टिव दैट इट मे बी ईदर टाइफाइड इन्फेक्शन आर इट मे बी अमीबिया इन्फेक्शन आर इट मे बी अ लार्ज बाउल कार्सिनोमा। डायरिया विद मिक्स विद म्यूकस एंड पस इज सजेस्टिव ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, रीजनल एंटेराइटिस, शेजिला इन्फेक्शन आर सलमोनेला इन्फेक्शन या एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस आर इंटेस्टिनल टीबी। तो ये सारे के सारे सजेशंस हैं, जैसे पस सेल यानी WBCs का आना उसमें स्टूल में और पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। अगर इन्फेक्शन है, जैसे शेजिला इन्फेक्शन है या सलमोनेला इन्फेक्शन है, तो उसमें फिर पस आ सकते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ स्टूल यूजुअली रिपोर्ट नहीं करते, बट इन सम कंडीशन इट शुड बी रिपोर्टेड। और ऑर्डर ऑफ द स्टूल बेसिकली डिपेंड ऑन द पीच ऑफ द स्टूल, ठीक है, एक पीच पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एंडोल और स्केलेटोल होते हैं और ये सब्सटेंसेस पर ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। फीसिस आर पार्टिकुलरली ऑफेंसिव इन अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है। A fuel order is caused by degradation of undigested protein and excessive carbohydrate intake. Silky sweet order is produced by undigested lactose. Now normality, that there are certain normal substances which are also present in stool. So stool basically consists of 75% of water. पीएच वेरी कर सकता है 5.8 टू 7.5 तक, और ये डिपेंड करता है फूड इनटेक पे। अकल ब्लड या रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इसमें नेगेटिव होते हैं नॉर्मली, बाइल नेगेटिव इन एडल्ट्स बट इट मे बी पॉजिटिव इन चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि चूंकि एडल्ट्स में बाइल, चिल्ड्रन में चूंकि बैक्टीरिया नहीं होते हैं और वो एस्टर को बाइलिनोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए बाइल चिल्ड्रन में मौजूद होते हैं, जबकि एडल्ट्स में चूंकि नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ पर, तो इसलिए बाइल यूजुअली एडल्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, लिपिड, फैटी एसिड ये भी मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन लेस देन 2.5 ग्राम पर 24 आवर। नाउ पीएच, इंक्रीज पीएच मीन्स अल्कलाइन पीएच और ये डिक्रीज पीएच मीन्स के एसिडिक पीएच। तो इन कंडीशंस की वजह से लाइक कोलाइटिस, एंटीबायोटिक यूज, ठीक है ना, इन कंडीशन की वजह से अल्कलाइन पीएच आ सकती है, जबकि एसिडिक पीएच कार्बोहाइड्रेट या मेल अब्जॉर्प्शन, फैट मेल अब्जॉर्प्शन या डाइसेक्राइड डिफिशेंसी की वजह से पीएच का कलर एसिडिक हो सकता है। नाउ पैरासाइट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हम पेस्टूल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ईदर पैरासिटिक सिस्ट आर ओवा इज प्रेजेंट आर एग इज प्रेजेंट आर नॉट, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मोस्टली जब भी स्टूल आर की जाती है, तो ज्यादातर पैरासिटिक के लिए या पस सेल के लिए स्टूल आरी की जाती है। तो ये सारे किसान लाइक राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, पिन वर्म एंड व्हिप वर्म इट मे बी प्रेजेंट। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारे पास हम एक थिन स्लाइड बनाएं, तब जाके हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। थिक स्लाइड अगर हम बनाएंगे तो फिर प्रॉपरली उसमें हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, इसलिए एक थिन स्लाइड हमें रिक्वायर्ड है। तो थिन स्लाइड बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, कवर स्लिप, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, लिगुल आयोडीन सॉल्यूशन, वुडन एप्लीकेटर्स जो कि ये एप्लीकेटर है, ठीक है, फ्रेश टूल और फिर ग्लव्स। तो दो किस्म के स्लाइड हम बना सकते हैं, नंबर वन नॉर्मल सलाइन स्पेसिमेन प्रिपरेशन एंड लिगुल आयोडीन स्पेसिमेन प्रिपरेशन।
जो सलाइन स्पेसिमेन प्रिपरेशन है, सलाइन में जो भी ओआ या सिस्ट या एग मौजूद होते हैं तो हमें कलरलेस नजर आते हैं, जबकि ल्यूक्यूलर आयोडीन चूंकि कलर कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है तो इसलिए हमें वो कलर्ड नजर आते हैं। तो ये दो किस्म के स्लाइड, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दोनों स्लाइड या एक स्लाइड डिपेंड अपॉन अलेव कि वो कौन सा प्रेफर करती हैं, बट आई प्रेफर ल्यूक्यूलर आयोडीन स्पेसिमेन बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस कलर कंट्रास्ट, सो इट विल गिव बेटर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ओआ सिस्ट एंड ओवम, सो दैट्स व्हाई ल्यूक्यूलर आयोडीन इज बेटर। सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ ल्यूक्यूलर आयोडीन स्लाइड, तो सबसे पहले यू हैव अ क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, प्लेस एनार्मस लाइन आर ल्यूक्यूलर आयोडीन, जस्ट वन ड्रॉप ऑफ दैट, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल विथ अ वुडन स्टिक, ठीक है, जैसे ये नजर आ रहा है स्टूल से आपने एक छोटा सा पार्ट जो स्टूल का, लेकिन सबसे पहले इसको मिक्स करना चाहिए, वो उस ड्रॉप के साथ मिक्स करें, बहुत ज्यादा स्टूल नहीं क्योंकि फिर स्लाइड बहुत थिक बनेगा और फिर हम प्रॉपरली डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल इज रिक्वायर्ड। नाउ प्लेस अ कवर स्लिप ऑन दैट, लेकिन कवर स्लिप रखने के लिए इसके लिए भी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। आपने क्या करना है कि जो कवर स्लिप का एक साइड है जस्ट टच विद अ ड्रॉप एंड देन प्लेस दैट कवर स्लिप, सो देयर विल बी नो बबल्स प्रोड्यूस व्हेन यू प्रिपेयर दैट स्लाइड। पिनवर्म एग्स कलेक्शन, समटाइम क्या होता है कि चूंकि पिनवर्म इसका जो वर्म है वो एनिस के थ्रू बाहर निकल आता है और वहां पर एग्स प्रोड्यूस कर देता है, तो बाद अकात हमें क्या चाहिए होता है, कलेक्शन या जो प्री एनल एरिया है वहां से हमें क्या क्या चाहिए होता है, स्क्रैपिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं चूंकि उसमें पिनवर्म इज मोस्ट कॉमन, सो इसलिए एंट्रोबिस वर्कुलेरिस जो है उसके लिए बाज़ औक़ात जो बटक एरिया है बच्चों का उनसे हम सिंपल लेते हैं, ठीक है, स्क्रैपिंग लेते हैं और फिर उसको स्लाइड उससे प्रिपेयर करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पैरासाइट, वर्म स्टूल आर बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ओवा आर पैरासाइट, डू नॉट रेफ्रिजरेट द स्पेसिमेन, थ्री सेपरेट रैंडम स्टूल स्पेसिमेंस आर रिकमेंडेड फॉर स्टूल एग्जामिनेशन। अगर एक इंडिविजुअल है या पेशेंट है उसने एक मरतबा स्टूल का सैंपल दिया और उसमें एग्स या ओवम नहीं है तो हमें क्या रिक्वायर्ड है कि रेंडमली आपने थ्री स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं और उसमें आपने जो पैरासाइट है उसके जो एग या ओवा या इवन सिस्ट उसकी प्रिपरेशन के लिए या उसको देखने के लिए आपने रेंडमली थ्री सैंपल कलेक्ट करने हैं और उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तब जाके आपने रिपोर्ट करना है कि इधर अ पैरासाइट ओवा आर सिस्ट इज प्रेजेंट आर नॉट। एक और चीज कि डू नॉट रेफ्रिजरेट द स्पेसिमेन, ठीक है। नाउ ल्यूकोसाइट इन स्टूल, समटाइम जैसे हमने कहा कि इसमें डब्ल्यूबीसीज भी आ सकते हैं, तो कुछ कंडीशन है जिसमें डब्ल्यूबीसीज आ सकते हैं, जैसे हमने कहा क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉनिक बेसिलरी डायसेंट्री है, तो उसमें पस आते हैं जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है और यू हैव टू रिपोर्ट दैट। ना हुक्वम, जो हुक्वम इन्फेक्शन है उसके जो एग्स स्टूल में आते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनली ओवा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इस एक के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जो कि एक थिन लाइन हमें नजर आ रही है, फिर इसके बाद खाली स्पेस है, ठीक है ना, व्हाइटिश एरिया है और इस व्हाइटिश एरिया के इर्द गिर्द के बाद एक सेगमेंटेड हमें मास नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि हुक्वम के होते हैं। सो इट इज अ कलरलेस विद अ थिन शेल
विच अपेयर माइक्रोस्कोपिकली एज ब्लैक लाइन अराउंड द ओवम, जैसे ये नजर आ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, खाली स्पेस है, ओवल इन शेप है, और ये जो 4 to 8 स्टेजेस हमें नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या चीज है, ये ओवम है। ये बेसिकली कंटेन एन ओवम विच अपेयर सेगमेंटेड, और ये सेगमेंटेड है। तो दोबारा कि हमारे पास जो हुक्म के एग्स होते हैं ये ओवल इन शेप है, राउंड नहीं है, ओवल है। एक शेल टाइप मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द है, फिर इसके बाद खाली स्पेस, और फिर सेगमेंटेड ओवम। फिर स्केलेस्टुलम रिकॉर्ड इसके एग्स कैसे नजर आते हैं, तो स्केलेस्टुलम रिकॉर्ड के एग्स दो टाइप के होते हैं, एक ये और एक ये। दिस इज बेसिकली अनफर्टिलाइज एग एंड दिस इज फर्टिलाइज एग। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये राउंडिश होता है जबकि ये इलांगेटेड होता है। इसके अर्गित एल्ब्यूमिन का एक कोट होता है, जैसे ये हमें नजर आ रहा है सेगमेंटेड कलर का, ये एल्ब्यूमिनस कोट है। इसमें भी एल्ब्यूमिन कोट है लेकिन ये सेगमेंटेड नहीं है, और इसके अंदर अगेन क्योंकि फर्टिलाइज है, ये फर्टिलाइज है, और इसके अंदर एक मास है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज ओवम। जबकि इसमें फर्टिलाइज ओवम नजर नहीं आता है क्योंकि ये अनफर्टिलाइज होते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल है उसमें मेल और फीमेल एस्केरिस्लिम रिकॉर्ड के ओवम मौजूद हैं, तो उसमें फिर मोस्टली फर्टिलाइज एग हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फीमेल है तो फिर उसमें अनफर्टिलाइज एग नजर आते हैं, और अगेन ये इन्फेक्शियस वर्म है। फिर टेप वर्म टीनिया सिजिनेटा और टीनिया सुलियम। टीनिया सुलियम चूंकि पोर्क बीफ जो इंडिविजुअल्स खाते हैं और उसको प्रॉपरली नहीं पकाते, तो उसमें पर ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए टीनेज सिजिनेटा जो कि बीफ जो लोग ज्यादातर गोश्त खाते हैं और उसको प्रॉपरली पकाते नहीं, तो उसमें पर टीनेज सिजिनेटा के जो एग्स हैं वो फिर नजर आते हैं। लेकिन चूंकि हमारे एरियाज में यूजुअली पोर्क इज बेसिकली प्रोहिबिटेड फॉर अस और कॉमन नहीं है, तो इसलिए टीनिया सुलियम के जो एग्स हैं वो कॉमन नहीं है। मोस्टली जो नजर आते हैं वो टीनिया सिजिनेटा के होते हैं। मोस्टली वो इंडिविजुअल्स लाइक टीनिया सिजिनेटा इज मोस्ट कॉमन इन अफगानी पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर गोश्त खाते हैं। तो ये टीनिया सिजिनेटा के एग्स होते हैं। इसका शेप कैसा है, इट इज राउंड टू ओवल मेजरिंग 33 to 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्राउन रेडियली स्ट्रेटेड वॉल, जैसे ये नजर आ रहे हैं ये वॉल। फिर इसके अंदर ओवम है या एम्ब्रियो है। होकलेट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। केयरफुल फोकसिंग इज नेसेसरी टू सी द 3 pair ऑफ होकलेट। ये होकलेट हैं जो कि 3 pair में होते हैं और ये एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, मीन्स की फर्टिलाइज एग है। सो अगेन इट इज अराउंड एग, ठीक है। फिर इसके इर्द-गिर्द एक शेल होता है, ये शेल है। इसके अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में 3 pair होते हैं, होकलेट्स होते हैं। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है टीनिया सिजिनेटा के। अब टीनिया सिजिनेटा को हम एस्केरिस्लिम रिकॉर्ड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर हम देखें इसमें होकलेट्स मौजूद नहीं है जबकि इसमें होकलेट्स मौजूद हैं। इसमें एल्ब्यूमिन कोट जो है वो बिल्कुल फाइन नजर आ रहे हैं, जबकि इसमें एल्ब्यूमिन कोर्स को अर्स नजर आ रहे हैं, मीन्स कि इसमें ये जो लाइंस हैं या डार्कनेस है इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस्केरिस्लिम रिकॉर्ड। सो दैट इज द मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट बिटवीन एस्केरिस्लिम रिकॉर्ड एंड टीनिया सिजिनेटा। एक देयर विल बी 3 pair ऑफ होकलेट्स व्हाइल दीज होकलेट्स आर एब्सेंट इन एस्केरिस्लिम रिकॉर्ड एग्स। फिर इसके बाद है टीचरस ट्यूटोरा। तो टीचरस ट्यूटोरा के जो एग्स हैं जो कि अगेन एक वेपम है, इसके एग्स कैसे हैं, अगर हम इसको देखें तो ये ओवल इन शेप है, येलो ब्राउन इन कलर होता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर जो है इसका लेंथ है, जबकि डायमीटर इसका 25 माइक्रोमीटर है। अब इसकी जो शेप है ये बैरल शेप हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इसके एंड में इसको हम कहते हैं म्यूकॉइड प्लग, ये वाला और फिर ये वाला। सिमिलरली ये और ये, इसको हम कहते हैं म्यूकॉइड एग,
और इसके अंदर भी एक अनसेगमेंटेड ओवम मौजूद हैं इस फॉर्म में, जैसे ये हैं। अब अगर हम इसको देखें और इनके दरमियान डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन क्या हो सकती है? डिफरेंशिएशन ये है कि ऑल्दो कि ये भी इलांगेटेड है, ये राउंड टू राउंड है, जबकि वो इलांगेटेड है। ऑल्दो ये भी इलांगेटेड है तो, लेकिन यहाँ पर म्यूकॉइड प्लग मौजूद नहीं है, जबकि इसमें टिचर स्ट्रक्चर में म्यूकॉइड प्लग मौजूद है। यहाँ पर ये एल्ब्यूमिनस कोट है जो कि सेगमेंटेड है, ये देखें सेगमेंटेड है, जबकि उसमें सेगमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। दिस इज इंट्रूबिस वर्मिकुलरिस आरपेन वर्म, और ये इसके एग्स है। अगर हम इन इसको देखें तो दिस एग्स आर बेसिकली कलरलेस, ओवल इन शेप, जिसकी लेंथ 55 और डायमीटर 30 माइक्रोमीटर है, और इसके अंदर ये एक लार्वा मौजूद होता है, जैसे ये है। दिस इज बेसिकली अ लार्वा। बच्चों में पिनवर्म इज मोस्ट कॉमन। नाउ इन अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि अमीबोसिस क्लास करता है, ये इसका वेजिटेटिव फॉर्म है, ये भी इसका वेजिटेटिव फॉर्म है, या ट्रोफोजाइट फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। तो एवरेज साइज इज अबाउट 25 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। और वेजिटेटिव फॉर्म है तो ये मूवमेंट करते हैं स्टूल में, जब भी वेजिटेटिव फॉर्म या ट्रोफोजाइट फॉर्म मौजूद होता है तो ये मूवमेंट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करते हैं, और ये इनके सुडोपोडिया निकलते हैं, जैसे ये हैं तो ये मूव कर रहे होते हैं और इसके सुडोपोडिया निकलते हैं। एक और चीज, इन डायसेंट स्पेसिमेन द अमीबिया कंटेन इंजेस्टेड रेड सेल्स लाइक दीज आर इंजेस्टेड रेड सेल्स, ये इसमें मौजूद होते हैं। तो दीज इंजेस्टेड रेड सेल्स विद मूवमेंट इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक ऑफ एंटामीबिया हिस्टोलाइटिका। इसके जो सिस्ट होते हैं वो राउंड सिस्ट होते हैं, जिनका डायमीटर 12 जबकि 15 माइक्रोमीटर टू इसका डायमीटर हो सकता है, और इसके अंदर 1 to 4 न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज थिन, रेगुलर एंड सर्कुलर, एंड स्मॉल सेंट्रल कैरियोसोम इज इजीली विजिबल इन आयोडीन स्टेन प्रिपरेशन। साइटोप्लाज्म इन आयोडीन प्रिपरेशन इज येलो ग्रे एंड ग्रेनुलर। क्रोमेटाइड बॉडीज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट। नाउ जार्डिया, जार्डिया लेम्बलियम, जो कि जार्डियेसिस काज करते हैं, और ये डायरिया काज करते हैं जार्डियेसिस में। तो डायरिया के भी अगेन दो फॉर्म होते हैं, नंबर वन ट्रोफोजाइट फॉर्म एंड नंबर वन सिस्ट, ठीक है। तो ये इसको अगर हम देखें तो ये भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके फ्लेजिला मौजूद होते हैं। अगर इस शेप को हम देखें तो ये शेप पेयर लाइक शेप होता है, इसमें दो न्यूक्लियोलाई होते हैं, ये इसका सकिंग डिस्क है, ये इसके फ्लेजिलास होते हैं, और ये मीडियन बॉडी है इसका। जबकि सिस्ट के ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये न्यूक्लियोलाई है और ये इसके ये एक्सोनिम है, जबकि मीडियन बॉडी भी इसमें मौजूद होती है, और ये इलांगेटेड आर ओवल इन शेप कलर का होता है इसका सिस्ट। जबकि ट्रोफोजाइट फॉर्म जो है वो पेयर शेप का है, और इसमें विजिबल फ्लेजिला नजर आते हैं, और दिस इज अगेन ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। नाउ केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, तो स्टूल के केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकल्ट ब्लड। अकल्ट ब्लड नाम से ही जाहिर है कि ये छुपा हुआ ब्लड होता है, विच इज नॉट विजिबल, बट वेन वी परफॉर्म अ केमिकल एग्जामिनेशन लाइक बेंजीडिनसिस टेस्ट, सो वेन बेंजीडिनसिस इज पॉजिटिव टेस्ट, दिस मीन्स दैट अकल्ट ब्लड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो बेंजीडिनसिस जो टेस्ट है इसका प्रिंसिपल क्या है? बेंजीडिन टेस्ट में इसमें बेंजीडिन यूज होता है एज ए रिएजेंट, और इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज होता है। तो चूंकि अकल्ट ब्लड है, इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, और एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स को हम लाइसिस करें और इससे हेमोग्लोबिन निकल आए। ये हेमोग्लोबिन फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड पे रिएक्ट करके इसको वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर बेंजीडिन के साथ कंबाइन होके उसको ग्रीन टू ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल बहुत ही आसान है, लाइक व्हाट, देर आर सर्टेन रिएजेंट विच इज प्रेजेंट विच इज यूज फॉर इन बेंजीडिन टेस्ट, एंड व्हाट आर दोज रिएजेंट्स,
बेंजीडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज बेसिकली यूज टू रिमूव हेमोग्लोबिन फ्रॉम एंटेक रेड ब्लड सेल्स एंड दैट हेमोग्लोबिन कन्वर्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन, देन दैट नेसेंट ऑक्सीजन देन रिएक्ट विद बेंजीडीन एंड प्रोड्यूस अ ग्रीन ब्लू कलर। नाउ हाउ वी परफॉर्म बेंजीडीन टेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ सस्पेंशन ऑफ फीसिस एंड 10 ml ऑफ सलाइन, बॉइल इट टू इनएक्टिवेट द नॉर्मली प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम इन फीसिस, जो कि फिर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे सकते हैं। फिर 2 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडीन इन ग्लिसरिक एसिड हम ऐड कर लेते हैं एक ट्यूब में। फिर हम क्या करते हैं कि 2 ml ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड चेक वेदर ब्लू कलर और ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्यूब लिया, उसमें 10 ml नॉर्मल सलाइन में फीसिस की सस्पेंशन बनाई, उसको फिर बॉयल किया। बॉयल करने के बाद हमने जो बेंजीडीन रिएजेंट है उसका 2 ml हमने लिया और उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड किया। फिर इसके बाद हमने ऐड किया हाइड्रोजन परऑक्साइड और हमने चेक किया कि आया कोई कलर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। अगर कलर प्रोड्यूस हुआ तो इट मींस के टेस्ट आपका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और ये रिएजेंट एक्सपायर है। फिर हमने इसमें फीसिस का सस्पेंशन ऐड किया ड्रॉप बाय ड्रॉप और जब कलर प्रोड्यूस हो जाए तब हमने उसको रोकना है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इट मींस देयर इज नो अकल्ट ब्लड प्रेजेंट इन फीसिस। नाउ अकल्ट ब्लड इज प्रेजेंट इन विच कंडीशन, लाइक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायफ्रामेटिक हर्निया, एडिनोमा, ठीक है, इन कंडीशन में अकल ब्लड मौजूद होता है। बाज़ोका जो हुकवम इन्फेक्शन है उसमें भी अकल ब्लड मौजूद होता है क्योंकि हुकवम इन्फेक्शन में हुकवम ब्लड को शक करते हैं। नाउ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट मोस्टली इन इन्फेंट्स विद क्रॉनिक डायरिया, क्योंकि क्रॉनिक डायरिया इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल बाज इन्फेंट्स वो लैक्टोज के इंटॉलरेंस उसमें होती हैं और लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन इंडिविजुअल्स को डायरिया होता है और उसमें फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस पॉजिटिव आते हैं क्योंकि लैक्टोज चूंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते इसलिए लैक्टोज चूंकि रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो अगर ये पॉजिटिव है तो इट मींस कि रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इज पॉजिटिव इन स्टूल। हम इसको कैसे करते हैं, यूरिन में हम ग्लूकोज जिस तरह चेक करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस स्टूल में चेक करते हैं। जिस तरह हमने क्या लिया, एक रिएजेंट लिया, उस रिएजेंट में हम स्टूल ऐड करते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो अगर वो कलर चेंज कर रहे हैं तो इट मींस कि रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इसमें मौजूद हैं। अगर कलर चेंज प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इट मींस रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इज नेगेटिव। थैंक यू सो मच।